नमस्कार दोस्तों, हिमाचली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बना रहे हैं माता का प्रसाद। माता का प्रसाद दोस्तों बहुत टेस्टी बनता है हमारे हिमाचल में। अभी नवरात्रे आए हैं तो हर घर में प्रसाद बना के कन्या पूजन किया जाता है। आइए हम बनाते हैं इसको। क्या क्या इसके लिए चाहिए? ये हमने सूजी ली है, आधा कटोरी सूजी है, आधा कटोरी घी है और आधा कटोरी जो है चीनी। और ये कुछ मेवे लिए हुए हैं, जैसे सूखा नारियल थोड़ा काट के लिया है, बादाम और काजू, किशमिश और थोड़ी सी मीठी सौंफ और दो चार दाने जो है काली मिर्च के लिए हुए हैं। अभी हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में हमने देसी घी और सूजी एक साथ ही डाल दी, क्योंकि देसी घी जलना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास वनस्पति घी है तो आप उसको थोड़ा ठीक से गर्म कर लीजिए, तभी सूजी डालना इसमें। अभी हल्की हल्की आंच पे इसको भून लेंगे और जब तक इसका रंग थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। सूजी हमारी हो रही है, अभी होने वाली है क्योंकि इसने घी छोड़ दिया है। बस ऐसे ही आधा मिनट के लिए पकाएंगे, आंच कम ही रखेंगे। यहाँ हम डालेंगे किशमिश और जो हमने मीठी सौंफ और मिर्च के दाने रखे हुए हैं ये भी डाल रहे हैं, और थोड़े से मेवे काट के रखे हैं वो भी डाल रहे हैं। थोड़े थोड़े सभी मेवे डाल देंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। और मैंने तीन चार इलायची पीस के रखी है, उसका पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ हम डाल रहे हैं चीनी, इसको हिलाते रहेंगे, नीचे नहीं लगना चाहिए। अभी चीनी इसमें गल जाएगी और हमारा हलवा जो है प्रसाद तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने पानी जो है चार गुना सूजी से डाला है, या जितनी सूजी, अगर हमने आधी कटोरी सूजी की ली हुई है तो दो कटोरी हम पानी की डालेंगे, क्योंकि चार गुना तो पानी हो गया है। इसमें पानी खुला ही डालना चाहिए ताकि ठीक से पक जाए। ऐसे ही हम हिलाते रहेंगे, अभी ये घी छोड़ देगा तब तक हम इसको पका लेंगे। हलवा हमारा हो चुका है, अभी मैं आपको बर्तन में डाल के बताती हूँ, सर्व करने वाले बर्तन में। ये हमने इसमें डाल दिया हुआ है और इसको ऐसा ही हलवा बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास जो सूजी और चीनी और घी एक बराबर हम लेते हैं, और उसके बाद पानी से चार गुना ज़्यादा लेंगे और ठीक से सूजी को भून के और उसमें कटे हुए मेवे सब डालेंगे और ऊपर से हम सजाने के लिए थोड़े से छोड़ देंगे और उसको ऊपर से सजा देंगे और प्रसाद की थाली हमारी तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती रहूँ। हमारे यहाँ तो माता का बहुत ही ज़्यादा पूजन करते हैं, सभी माता को मानते हैं और प्रसाद भी नवरात्रों में ज़रूर चढ़ाते हैं। आप भी बनाइए, चढ़ाइए और खाइए, देखिए कितना अच्छा है। हम तो माता की खुशी के लिए सब करते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।